हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि आप में से कौन कौन ये मानता है कि हमें अपने काम, अपनी बिजी लाइफ के अलावा भी कुछ मस्ती भरे पल भी जरूर गुजारने चाहिए अगर हमें मौका मिले। तो मेरी फ्रेंड सर्कल ने मिल करके ना की थी एक पॉटलक पार्टी। जैसे मुझे नाम भी नहीं पता था इसका क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। बाद में पता लगा कि अपने घर से कुछ कुछ बनाकर ले जाओ और एक जगह पर सब मिल करके खाओ एक दूसरे का और एंजॉय करो, उसको कहते हैं पॉटलक पार्टी। तो मैं बनाती हूँ केक। मुझे कहा गया कि तुम केक लेकर के आना, लेकिन कुछ अलग साथ। मैंने सोचा क्यों ना फायर वाला वो केक बनाऊं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं थी, तो मैंने क्रीम से ही बना करके कैसे वो फायर केक बनाया, कैसे उसको कट किया, वो सब आज की वीडियो में होगा। तो यहाँ पर चॉकलेट का स्पॉन्ज बनाने के लिए मैंने लिया है मोहन इम्पैक्ट्स का ये प्रीमिक्स, और आधा केजी के हिसाब से मुझे केक बनाना था, तो मैंने 1.5 कप करीबन 180 ग्राम प्रीमिक्स लिया है। उसमें मैं अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ, पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, आप धीरे धीरे मिक्स करते जाइएगा और रिबन जैसी कंसिस्टेंसी जब हो जाए बस उसी स्टेज पर आपको डालना है इसमें फ्लेवर, जो भी पसंद का आप चाहें कलर डाल दीजिए, जो भी आपका पसंद हो, और 1.5 टेबल स्पून के करीब ऑयल। 1 कप अगर मेजरमेंट ले रहे हैं प्रीमिक्स का तो 1 टेबल स्पून, 1.5 कप लिया है तो 1.5 टेबल स्पून। बस बढ़िया से इसको कर लीजिएगा मिक्स, आपका बैटर जो है वो ऐसा रेडी हो जाएगा। बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर 6 इंची का बर्तन लिया है और उसमें सेट कर रही हूँ मैं ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर। तो इससे क्या होगा, केक फटाफट से डिमोल्ड हो जाएगा, कुछ भी चिपकेगा नहीं और हमारा काम भी आसान हो जाएगा, और इसको रीयूज भी कर सकते हो, साथ में ये इको फ्रेंडली भी है। तो जरूर इस पेपर को लीजिएगा, आपका बहुत काम हेल्प करेगा ये, और इसका ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ प्रीमिक्स जो मैं यूज कर रही हूँ उसका भी ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि मैम ये प्रीमिक्स कैसे मिलेगा, तो आप मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक किया कीजिए, उसमें आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। बैटर डालने के बाद बढ़िया से कर देंगे इसको टैप, और टैप करने के बाद मैं इसे बेक कर रही हूँ। तो बेक करने के लिए आप अपने ओटीजी को प्रीहीट जरूर कीजिएगा 180 डिग्री पर या 150 डिग्री पर, जो भी साइज है आपके ओटीजी का उस हिसाब से करीबन 10 मिनट के लिए। मेरा ये ओटीजी है 40 लीटर का, तो मैंने 150 डिग्री पर ही इसे बेक कर लिया है नीचे की रॉड को ऑन करके 30 मिनट्स के लिए, और देख सकते हैं कितना बढ़िया सा स्पॉन्ज हमारा रेडी है। मैंने इसमें ऑरेंज फ्लेवर डाला था और ऑरेंज कलर डाला था ना, तो स्पॉन्ज का कलर देखिएगा भी अंदर से कितना बढ़िया और फर्स्ट क्लास आएगा। एक्चुअली मेरे यहाँ पर ना मेरे ऑरेंज केक की आजकल धूम मची हुई है, जिसको देखो वो यही ऑर्डर करता है। तो सारी फ्रेंड्स ने भी बोला था कि चॉकलेट का नहीं बनाना, ऑरेंज का बनाना और फायर वाला बनाना। तो कैसे ये जो है चमत्कार होगा वो आप आगे वीडियो में देखिएगा, क्योंकि क्रीम के ऊपर फायर लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कैसे थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके इसमें एक आइडिया लगाया है, हालांकि मैंने तो लगा दिया जो लगाना था आइडिया, लेकिन आपके पास अगर कोई और आइडिया है तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। चलिए अब इसके लिए क्रीम व्हिप कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्रीम मैंने लगभग 250 ml के करीब ली है, और थोड़ी सी ये मेल्टेड है, थोड़ी जमी है, बट हमारा अगारो का जो ये 300 वाट का बीटर है ना, इसको बहुत बढ़िया व्हिप कर देगा। और इसका फायदा यही है कि इसकी क्रीम जो व्हिप हुई होती है ना वो मेल्ट भी नहीं होती, क्योंकि ये 300 वाट का है और इसमें 3 स्पीड्स लेवल है। तो आप भी अगर ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सा बीटर कि कौन सा अच्छा लें जैसे क्रीम बढ़िया बने, तो आप ये अगारो का बीटर ले सकते हैं। इसका भी ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रीम भी रेडी हो गई है। चलिए आप फ्रेंड्स केक की लेयरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ टर्न टेबल पर मैंने केक की एक लेयर रखी है, उसको कर देंगे सादे पानी से मॉइस्ट, ताकि केक थोड़ा सॉफ्ट लगे खाने में, और अगर आपको रखना भी पड़े ना केक ओवरनाइट जैसे मान लीजिए, तो भी उससे सॉफ्ट रहेगा। अब इस पर अप्लाई कर देंगे क्रीम की एक लेयर, जितनी भी चाहें आप मोटी पतली, बट उसको पैलेट नाइफ से अच्छे से प्लेन कर लीजिएगा, स्मच कर लीजिएगा, क्योंकि क्रीम अगर प्लेन नहीं हुई ना तो केक की पूरी शेप जो है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, इस बात का खास ध्यान रखें। यहाँ पैलेट नाइफ से बढ़िया से देखिए मैंने क्रीम को स्प्रेड किया है, सारी तरफ से बराबर कर रही हूँ मैं, और अब इसके ऊपर जिस भी फ्लेवर का आप केक बना रहे हैं उससे रिलेटेड क्रश डाल दीजिएगा। मैं ऑरेंज फ्लेवर का केक बना रही हूँ, तो मैं ऑरेंज वाला क्रश इसके ऊपर स्प्रेड करूंगी। क्रश आप यहाँ लगभग 2 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं मैम कितना क्रश डालें, हमारे केक के साइड से निकलने लगता है। तो देखिए इतना ही क्रश डालिए या इतना ही गनाश डालिए अगर चॉकलेट केक बना रहे हैं, कि वो बस बीच में सेट हो जाए और बाहर से साइड से ड्रिप आउट ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा जो फिलिंग है या जो क्रश है पतला है, तो आप किनारे पर क्रीम की एक वेल जैसा बना दें, मतलब किनारी बना दें। या दूसरी लेयर भी अब मैंने रख दी, और सेम इसी प्रोसेस से हम इसको भी क्रम कोट करके तैयार करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मुझे आज इस केक को ना बिना चॉकलेट फ्लेवर के, ना उसमें स्पॉन्ज में चॉकलेट यूज करनी थी, ना क्रीम की फ्रॉस्टिंग में, मुझे फायर केक बनाना था। तो मैंने दिमाग ये लगाया कि 2 लेयर तो इस तरीके से सेट कर लेती हूँ, और जो 3री लेयर है ना उसमें एक छोटा सा होल कर देती हूँ, जिसमें मैं कैविटी बना करके फायर लगाऊंगी। यहाँ पर 3री लेयर में देखिए क्रश को मैंने इसी तरीके से स्प्रेड किया है, और जो ये लास्ट लेयर है ना इसको अभी मैं डायरेक्टली केक पर नहीं रखूंगी, बल्कि इसके सेंटर में एक होल यानी कि छेद कर लूंगी। यहाँ पर मैंने एक ढक्कन से इसको कट कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से, और अब इसको मैं अपने केक के ऊपर प्लेस करूंगी। तो ये जो कैविटी बन जाएगी ना, इसके अंदर मैं फायर आराम से लगा पाऊंगी। बट अगर मैंने क्लीन से इसकी आइसिंग कर दी
तो फायर लग ही नहीं पाएगी क्योंकि क्रीम के अंदर मॉइस्चर होता है और वो फायर को नहीं पकड़ेगा। तो अभी सोचते हैं इसका मैं क्या आइडिया कर सकती हूँ। तब तक हम इसके एक-एक क्रम कोटिंग करते हैं। तो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर लिया है और चारों तरफ इसको हम स्प्रेड करेंगे। तो धीरे धीरे करके देखिए साइड में मैंने क्रीम लगा दी है और अब मैं टॉप में भी क्रीम लगा रही हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, फायर ऊपर ही लगेगी लेकिन मैं यहाँ पर अभी भी क्रीम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने जो आइडिया सोच रखा है ना वो आप जब सोचेंगे तो तोते उड़ जाएंगे आपके। और आप मुझे जरूर अपना आइडिया जरूर बताइएगा कि इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन हो सकता है क्योंकि मेरा दिमाग तो उस समय काम करना बंद कर गया था क्योंकि जब ऑर्डर होता है ना तो दिमाग ना बस उसमें रहता है कि और एक डिश और बनानी है, और भी कुछ काम करना है, कुछ तैयारी भी करनी है। तो बस जो दिमाग में आया मैंने वो बना दिया। तो ये देखिए मैंने क्रीम ऊपर अच्छे से लगा दी है, उस होल को छोड़ दिया अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पूरे में मैंने ये क्रीम बढ़िया से स्प्रेड कर दिया। अभी मैं इसकी फिनिशिंग भी करूंगी क्योंकि एक तरह से केक की फाइनलाइजिंग तो करनी जरूरी है। अब जो फायर वाला काम है उसको हम बाद में देखेंगे। और ये धीरे धीरे पैलेट नाइफ से मैंने केक की फिनिशिंग भी कर ली है। और इस तरीके से फिनिशिंग के बाद मैंने उस केक को 8 इंची के बोर्ड पर शिफ्ट कर लिया। अब थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग रह गई है वो मैं बोर्ड के ऊपर ही कर लूंगी। फिर मैंने फ्रेंड्स एक स्क्रैपर लिया और इससे ना जिगजैग पैटर्न बना लिया। लेकिन बाद में सोचा कि केक पूरी तरीके से एकदम वाइट है, इस पर कोई कलर नहीं है, कुछ मजा नहीं आएगा, एकदम फीका फीका सा लगेगा। तो मैंने फिर से स्क्रैपर के डिजाइन को कर दिया प्लेन। और स्क्रैपर पर ना इस बार मैंने सोचा कुछ कलर लगा लेती हूँ जिससे थोड़ा सा शेड आ जाए। तो ये ऑरेंज फ्लेवर केक था तो मैंने क्या किया, स्क्रैपर पर जो थोड़ी बहुत क्रीम लगी थी ना उसी पर ऑरेंज जेल कलर डाल करके थोड़ा थोड़ा इस पर स्टेन्स लगा दिए, डॉट डॉट लगा दिए। और फिर मैंने सोचा इसे स्मच करूंगी तो अच्छा सा एक हल्का सा ऑरेंज का शेड आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, जब भी आपको शेड देना हो ना लाइट कलर का, आप ये वाला ट्रिक अपनाइए या फिर थोड़ी सी क्रीम में कलर मिला करके उसके यहाँ पर डॉट्स लगा करके आप अपनी क्रीम को स्मच कीजिए। तो बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता है, शेड आती है और कलर भी उसमें ज्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पर देखिए वही मैंने किया है। लेकिन जब मैं इसे स्प्रेड करने लगी ना तो कलर बहुत ही फीका लग रहा था, कहीं तो ज्यादा था और कहीं बिल्कुल कम था क्योंकि मैंने जो डॉट्स लगाए थे ना वो प्रॉपरली नहीं लगाए थे। तो फिर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ दिए स्ट्रोक्स, थोड़ा सा कलर और लेकर के और फिर मैंने इसको अच्छे से ऑरेंज शेड में कवर किया। तो इस तरीके से अब मेरा जो केक था ना वो थोड़ा सा कलरफुल लगने लगा। तो आज मुझे कमेंट करके फ्रेंड्स आप ये जरूर बताइएगा कि इस तरीके का केक अगर आपको बनाना हो तो आप क्या आइडिया लगाएंगे, आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ये, और सबसे जरूरी कि आपने कभी क्या इस तरीके की पॉटलक पार्टी की है, और अगर की है तो उसमें आप क्या बनाकर ले गए हैं। यहाँ पर देखिए साइड में पैटर्न तो बन गया, अब ऊपर थोड़ी सी फिनिशिंग गड़बड़ हो गई है, पैलेट नाइफ से मैं उसको भी इक्वल कर रही हूँ। लेकिन साइड में शेड देने के बाद भी ना ऊपर मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था, वो एकदम प्लेन लग रहा था। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी क्रीम में यही ऑरेंज वाला कलर मिक्स किया, ऊपर इस तरीके से टैप टैप कर दिया और फिर मैंने सोचा पूरे में बस यही पैटर्न बना देती हूँ। एक तरह से मेरा दिमाग ना चल रहा था कि मैं एक वॉल्केनो टाइप इफेक्ट अपने केक पर दूँ। तो वॉल्केनो जब जलता है तो आग निकलती है, तो इसीलिए मैंने ऑरेंज कलर लगाया और इस डॉट डॉट करके वॉल्केनो के आसपास जैसा सरफेस होता है वैसा कुछ क्रिएट करने की कोशिश की क्योंकि मेरा मेन फोकस था बीच में आग लगाने पर। लेकिन साइड और ऊपर भी थोड़ा सा कलरफुल लगे उसके लिए मैंने ये टैप टैप वाला पैटर्न कर दिया। ये देखिए, तो ये तो सारा काम हो गया केक का। अब इस पर जो फायर लगानी है ना फ्रेंड्स वो क्रीम पर बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि आप लगाने जाएंगे तो उसमें आपको फेलियर ही मिलेगा क्योंकि क्रीम में होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया थोड़ा सा चॉकलेट ट्रफल या थिक सा चॉकलेट गनाश जो अच्छे से सेट हो जाए, 2:1 रेशो मैंने लिया था चॉकलेट और क्रीम का। और उसको मैंने पैलेट नाइफ से ना छोटे वाला ये जो होता है उससे ये जो कैविटी है ना उसकी साइड्स में लगा दिया और फिर थोड़ा सा मैंने नीचे की तरफ भी लगा दिया। तो एक तरह से चॉकलेट का ये बाउल बन गया, कटोरी बन गई और अब इस पर आप आराम से फायर भी लगा पाएंगे। वो कैसे लगेगी, वो तो जब हम पॉटलक पार्टी में जाएंगे और इसमें फायर लगेगी तभी आप देख पाएंगे। तो मैं वो भी आपके साथ क्लिप शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ धीरे धीरे देखिए चॉकलेट गनाश से ना मैंने कैविटी को अच्छे से कवर कर लिया है और कवर करने के बाद मैंने इसे आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया ताकि ये सेट हो जाए। इसकी फिनिशिंग थोड़ी कर दी तो कुछ इस तरीके से केक मेरा लगने लगा। अब आप हाथ लगा के टच करेंगे ना तो गनाश हाथ में नहीं लगेगा और एक बढ़िया सी कैविटी बन गई। अब इस पे लगानी है मुझे फायर, तो मैंने एक बाउल में ना थोड़ी सी बरांडी ले ली। आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं और ये मत सोचिएगा कि इस केक में अल्कोहल वाला केक आप खाएंगे, ये सब इवापोरेट हो जाती है, जल जाती है फायर के दौरान और आपका केक एज इट इज जैसा आपने बनाया वैसा आपको मिलेगा। तो मैं जहाँ इसे लेके जा रही थी ना फ्रेंड्स वो थी तो पॉटलक पार्टी लेकिन उसकी थीम थी पजामा। मैंने बढ़िया सा पिंक कलर का नाइट सूट वाला पजामा पहन लिया है और मेरी सारी फ्रेंड्स ने भी ऐसे ही कुछ पहना था और वैसे तो खूब मस्ती की। इसका जो डिटेल वीडियो है, व्लॉग है, शॉर्ट्स है वो आप मेरे तारा मधु डायरीज पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर छोटी सी क्लिप शेयर कर रही हूँ केक कटिंग के दौरान की। तो हमने क्या किया, बरांडी को इस केक के अंदर फिल कर दिया क्योंकि हम सभी अल्कोहल वगैरह नहीं लेते हैं बट हमें फायर का मजा लेना था। और उसके बाद एक छोटे से चमचे में ना मैंने ये बरांडी डाल करके उसको मोमबत्ती से जलाया,
तो ये आराम से आग पकड़ लेगी। ये देखिए, तीन चार मोमबत्तियां हमने इकट्ठी की और इस बर्तन के नीचे जैसे ही हमने फायर लगाई ना, फटाफट से बरांडी ने फायर पकड़ ली और बस उस फायर वाले जो लिक्विड को, अल्कोहल को, मैंने इस केक की कैविटी में डाल दिया और सबको इतना मजा आया, मैं आपको बता नहीं सकती। म्यूजिक चल रहा है, नहीं तो मैं आपको जरूर सुनाती, कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखिए, हल्के से एक चमचे में मैंने वो बरांडी डाली, मोमबत्ती से देखिए इस तरीके से आग लगाई और इसको मैंने इस कैविटी के अंदर डाल दिया। तो काफी देर तक ये आग जलती रही, जब तक बरांडी रही, और जैसे ही आग बुझ गई, मतलब कि बरांडी जो है वो खत्म हो गई है, केक में अल्कोहल का कुछ भी टेस्ट नहीं रहा है और आप अपने साइड वाले केक को आराम से खा सकते हैं। जो लोग आपके पास बोले ना कि भाई चॉकलेट फ्लेवर नहीं चाहिए हमें, हमें फायर वाला केक चाहिए या फिर हमें अल्कोहल भी नहीं चाहिए, तो आप ये वाला आइडिया उन्हें दे सकते हैं। इसमें इनोवेशन आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा, बट फायर वाला केक अगर उन्हें चाहिए बिना अल्कोहल और बिना चॉकलेट के, तो ये आइडिया मुझे सबसे बेस्ट लगा। और अगर आपके पास आइडिया है जैसे मैंने बोला, जरूर बताइएगा। और उसके बाद हमने की केक कटिंग, और हमारी केक कटिंग के दौरान तक ना फायर जल रही थी, बाद में वो बुझ गई क्योंकि वो सारी जो ब्रांडी थी वो इवापोरेट हो गई। और हमने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब फन किया। मैंने साग और केक बनाया था, बाकी लोगों ने भी बहुत कुछ बनाया था और इतना कुछ बनाया था कि फ्रेंड्स बहुत कुछ बच भी गया, हमें अंदाजा ही नहीं था कि सब मिलाकर जब लाते हैं ना तो खाना बहुत हो जाता है। और हम लोग स्नैक्स वगैरह ले ले करके, मस्ती कर करके, इतने पेट हमारा भर चुका था कि हम बहुत कुछ तो खा ही नहीं पाए। तो थोड़ा थोड़ा जो बच गया वो अपने अपने घर ले गए और फिर अगले दिन खा लिया, क्योंकि खाना वेस्ट तो करना नहीं था, मस्ती भी करनी थी। और इस तरीके से, बट हाँ, मेरा केक जो है वो उसी टाइम खत्म हो गया। और उसके बाद हमने खूब सारी रील्स बनाई, खूब सारी मस्ती की। और यहाँ पर गाना आप गेस कीजिए कौन सा चल रहा है, बहुत पहले चलता था जब हम अपने कॉलेज टाइम में थे, कि जब जब चूड़ी खनके रे, जब जब पायल खनके रे, यहाँ पर वही गाना चल रहा है क्योंकि उसमें शायद रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा ने इसी तरीके से नाइट सूट और ये हेयर बैंड लगा करके डांस किया था। देखिए वही स्टेप्स हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का ये मस्ती भरा वीडियो, हमारी पॉटलक पार्टी, हमारी पजामा पार्टी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि अपनी बिजी शेड्यूल से, अपनी बिजी लाइफ से, जिम्मेवारियों से हटकर अगर आपको मौका मिलता है ना कुछ मस्ती करने का अपनी फ्रेंड सर्कल के साथ, तो जरूर कीजिएगा। मैं तो करती हूँ, चाहे फिर मुझे ओवरनाइट रात में बैठ के काम करना पड़े। तो अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से ऐसा ही नया कुछ सीखने, जानने और ट्राई करने के लिए। और लास्ट में जाते जाते मैं आपके साथ कुछ पिक्चर शेयर कर रही हूँ, कुछ वीडियोस की क्लिप शेयर कर रही हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।